मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ, शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी में वैसे बहुत सी साधनाएं होती हैं, लेकिन कुछ साधनाएं हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो गणेश चतुर्थी में एक हल्दी के ऊपर खास प्रकार का प्रयोग होता है। हल्दी के ऊपर गणेश चतुर्थी में अगर खास प्रकार का मंत्र का जाप किया जाए तो आप सोच नहीं सकते कि कितना लाभ आप ले सकते हैं, बेहिसाब लाभ ले सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी में आप ये प्रयोग करें। वैसे इसे किसी भी महीने की चतुर्थी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश का जो दिन आ रहा है उन समय में करें तो बहुत लाभ मिलता है। तो जानेंगे क्या, देखिए क्या होता है कि हर इंसान चाहता है कि अपने जीवन में वो तरक्की करे। कौन नहीं चाहता, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया की जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनका सुख हम भी भोगें। हर इंसान चाहता है, इसके लिए वो प्रयत्न करता है। क्योंकि अगर वो संसारिक जीवन में है, गृहस्थ जीवन में है, तो वो उसका धर्म है, वो उसका फर्ज है कि भाई वो अपने परिवार को अच्छा जीवन दें, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दें, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। ये फर्ज बनता है, इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं। तो यहां पर यह होता है कि हल्दी पर खास प्रकार का प्रयोग जो होता है ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप नौकरी कर रहे हैं, वेतन आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है, आता है जाता है, आता जाता है, कैसे करके घर गृहस्थी चलती है। जब बचा नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अपने सपने, बड़े सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। तो वहां पर आपको खास तरीके का हल्दी पर प्रयोग करना सीखना होगा, करना होगा। आप नौकरी में अड़चन आ रही है, व्यापार में अड़चन आ रहा है, कोई क्लेश हो गया है, व्यापार में कोई विवाद चल रहा है, व्यापार से संबंधित अड़चनों पर कोई कोर्ट केस चालू हो गया है, इस तरह की चीजें, परिवार में अनबन शुरू हो गई है, परिवार में बच्चे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, और भी किसी विषय को लेकर कर रहे हैं, माता पिता में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी में चल रहे हैं, तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि ये मानसिक क्लेश पैदा करते हैं। जब मानसिक क्लेश पैदा होता है तो फिर आपका दिमाग काम धंधे में नहीं लग पाता, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल पाती, आप फिर उग्र स्वभाव में बात करते हैं, फिर चाहे वो मित्र हो, परिवार हो। तो इससे क्या होता है, सब लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, सब लोग आपके प्रतिद्वंदी बनने शुरू हो जाते हैं, सब लोग आपके शत्रु जैसा व्यवहार होना शुरू हो जाता है उनका। कहने का अर्थ यह है कि ये जो हालत है और इसमें एक आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता, जब चारों तरफ से वो दुखों से घिरा हो, चिंताओं से घिरा हो, विवादों से घिरा हो, अड़चनों से घिरा हो, विघ्न से घिरा हो, तो आप क्या कर पाओगे, आपको ऐसा लगता है मैं करूं क्या। ऐसी हालत में खास तरह का प्रयोग है, आइए जानते हैं कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ, जमीन पर नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, याद रखें बिस्तर में ना बैठें। सामने भगवान गणेश की प्रतिमा लगाएं, फोटो लगाएं, एक लाल कपड़ा बिछा लें, उसमें भगवान गणेश की फोटो रख दें। उसके सामने एक दुर्वा, दुर्वा मतलब दूब, घास आप खुद तोड़ लें, तोड़ के थोड़े से 2-3 घास वहां रख लो बस। और उसके बाद एक हल्दी का टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा उस जगह पर रखो बस।
यानी हल्दी का टुकड़ा और घास जिसको दुलुआ कहते हैं, दूब कहते हैं, तो कहने का मतलब वो रख लो और हल्दी का टुकड़ा एक रखो थोड़ा सा, बस ये रखो। सेम तरह की मुद्रा लगाओ, सुकरी मुद्रा, ये सुकरी मुद्रा हो गई, ये मुद्रा लगा के ऐसे हाथ रख लो, आगे चक्रों पर ध्यान दो और ध्यान देते हुए 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा आपकी लगी रहेगी, खास प्रकार का मंत्र, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः। मैं इस मंत्र को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये नमो नमः। इस मंत्र को उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मंत्र को 10-15 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें, यही मुद्रा लगा के, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। ये जो हरिद्रा गणेश है, सभी प्रकार के शुभ कार्य में सबसे ज्यादा इनका उपयोग किया जाता है। शादी विवाह में अड़चन है, पति पत्नी में अनबन चल रही है, कोई भी शुभ काम नहीं हो रहा है, आप पूरी तरीके से परेशान हैं, हरिद्रा गणेश इनका प्रयोग 100% आपको सफलता देता है। तो जाहिर है कि हरिद्रा गणेश की जो प्रयोग होता है, साधना होती है, वो हल्दी के ऊपर की जाती है। तो कहने का मतलब है 10-15 मिनट तक ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करो, फिर किसी को फल या भोजन दान कर दो। अब ये हल्दी है, ये जो हल्दी होती है ये अपने पास पूजा घर में एक लाल कपड़े में लपेट कर रखो। शादी विवाह की बात हो रही है, इसके दर्शन जरूर करो और 11 बारी मंत्र का जाप करो। आप किसी लड़के वाले को देखने जा रहे हैं, लड़की वाले को देखने जा रहे हैं, इनको या तो अपने पर्स में रख लो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप असफल लौटें, आपका काम होगा ही, ये माना जाता है। कोई भी अड़चन आ रही है, आपको मीटिंग में जाना है, वहां आपको अपनी बातें रखनी है, आप हरिद्रा गणेश को वही कपड़े में लपेट कर अपने जेब में रखो और जाओ। किसी भी खास मीटिंग के लिए जाओ, किसी भी जगह विवाद हो रहा है, जहां पर कुछ भी फैसला हो सकता है, कुछ भी बातें हो सकती हैं, कुछ भी बात बिगड़ सकती है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं तो हरिद्रा गणेश जो लाल कपड़े में लपेटा हुआ है उसको वैसे वैसे अपने जेब में रख के जाओ। इसी तरीके से अगर ये घर में भी है तो घर में विवाद कम हो जाते हैं, पति पत्नी में अनबन कम हो जाती है, प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है, संतान पक्ष की तरफ से अच्छी बातें सुनने में आती हैं, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, ब्लैक मैजिक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ों का बहुत 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 लाभ मिलता है, तो ये चीज़ें करें। जाहिर है किसी भी चतुर्थी के दिन ये प्रयोग किया जा सकता है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, या किसी भी बुधवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं आप। हाँ, प्रयोग करने का जो समय है सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग आपको करना चाहिए। ये करने के बाद एक बार हल्दी तैयार हो गई तो फिर हल्दी का उपयोग कभी भी किसी भी काम के लिए आप करें, जेब में रखें, 11 बार मंत्र का जाप करें और जाएं, या घर के मंदिर में रखें, 11 बार मंत्र का जाप करें और अपने काम के लिए जाएं, बस आप देखेंगे कि आपको सफलता कैसे नहीं मिलती, सफलता मिलेगी। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, बस इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा के साथ करें। अगर मन में कोई शंका लाकर करते हैं तो रुक जाइए, पहले अपनी शंका का समाधान कर लो, जब समाधान हो गया तब आप इसको करने की कोशिश करें, नहीं तो शंका है, मन में कोई डाउट है तो फिर करके कोई फायदा नहीं आपके लिए, ये साधना को करना से कोई फायदा मिलने वाला है नहीं, करो मत। शंका मिट जाए, श्रद्धा है तो आप करो और फिर देखो आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता, आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।